हाँ जी नमस्कार, राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे आपके लग्न, आपके राशि पे, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए 31 मार्च को ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता, आपके कामनाओं की जो पूर्ति करने वाले हैं आपके कुंडली में, ऐसे बुध महाराज जिनके अंदर गुरु का गुरुत्व है, जिनके अंदर चंद्रमा की कोमलता है, चंद्रमा का प्रेम है। बुध को देखिए, गुरु और चंद्र दोनों का पुत्र माना जाता है। मतलब बुध के अंदर गुरु वाले गुण भी विद्यमान हैं और बुध के अंदर चंद्रमा के लक्षण भी विद्यमान हैं। इसीलिए जो कथा कही गई है, देखिए जो कहानियां हैं ना, कहानियां ऐसे लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिनका दिमाग मोटा होता है। उनको कहानी समझाया जाता था, एक था जंगल में शेर, उसके दो थे बच्चे। ये किसको बताया जाता है? जिसकी मोटी बुद्धि है, उसको समझाने के लिए माना कि एक आम है। लेकिन कहानी का जो सार है ना, वो कुछ और कहता है। प्रतीक तक अगर आप उलझे रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो गुरु पत्नी तारा और बुध की युति, गुरु पत्नी तारा और चंद्र की युति से बुध का उत्पन्न होता है, बुध उत्पन्न होता है। पत्नी, पत्नी का मतलब आपका जो ज्ञान है, पत्नी का मतलब जो मार्ग प्रशस्त करने वाली विधा है। नॉर्मल रूप में आजकल जो पत्नियों का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है, मजाक का विषय बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारे ज्ञान एनर्जी को संतुलित करने के लिए होते हैं, एनर्जी को संतुलित करने के लिए। पानी ऐसे बह रहा है, उसको सेप दे दीजिए, वो जितने किलोमीटर तक चाहेंगे उतने किलोमीटर तक जाएगा। जो नदियाँ बहती हैं, सोच लीजिए अगर उनका तटबंध ही ना हो तो नदी कहाँ जाएगी, नहीं पहुँच पाएगी। तो बुध के अंदर गुरु का गुरुत्व है, गुरु की गुरुता है और चंद्रमा की चपलता है, चंद्रमा का स्नेह है। इसलिए जब बुध प्रभाव में जाएंगे, अच्छे प्रभाव में जाएंगे, तो गुरु को एनर्जी देंगे और चंद्र को एनर्जी देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इनकी राशि में गुरु को भी फल देने को मिलता है। कर्क राशि में गुरु का नक्षत्र चलता है पुनर्वसु, ठीक। और चंद्रमा बुध के राशि में चंद्रमा का हस्त नक्षत्र चलता है, सूर्य नारायण को भी अपने प्रभाव में दे देते हैं। तो ये दोनों आपस में मिली जुली इनकी सरकार है। ऐसे बुध महाराज 31 मार्च को 3:28 पे आपके कुंडली में छठवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहने के लिए राजकुमार सेनापति के घर में जा रहा है, लेकिन राजकुमार जब सेनापति के घर में जा रहा है, सेनापति उसको टाइट कर देगा। राजकुमार राजकुमार है, अपने घर में राजकुमार हो सकते हैं, दूसरे के घर में जाएंगे ठीक नहीं होगा। अपनी आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जा रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में, स्टार्टिंग अश्विनी नक्षत्र में करेंगे। अब ये जो समय है आपके लिए ध्यान देने का है, समय थोड़ा सा टफ है। समय आपके लिए 7 जून तक या जून तक टफ है, वैसे 21 जून तक टफ है, लेकिन आप कुछ प्लस कुछ माइनस करके समय निकाल ले जाएंगे। बुध आपके कामनाओं की पूर्ति के स्वामी हैं, बुध अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे हैं, अतः आपकी कुंडली में कुछ विपरीत राजयोग जैसा क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। विपरीत राजयोग आपके कुंडली में 100% क्रिएट होता, किंतु मंगल महाराज का अष्टम भाव में चले जाना ये विपरीत राजयोग को थोड़ा सा रोक रहा है। लेकिन 10 मई के बाद, 10 मई को मंगल महाराज आपकी कुंडली में मिथुन राशि का परित्याग करके कर्क राशि की ओर गोचर कर जाएंगे, तब यह विपरीत राजयोग कन्वर्ट होगा। विपरीत राजयोग का मतलब होता है 3 गुना, अचानक 3 गुना हो जाना। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि परेशानियों से आप निकलेंगे। अब हम बात करें बुध की, तो बुध महाराज 7 जून तक यहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे? 7 जून। बुध हैं क्या? बुध मौत के सौदागर हैं, सीधे सीधे वर्डों में लाभ के स्वामी हैं, छठवें घर में बैठ रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में महादशा अच्छी है, ग्रह स्थिति अच्छी है, तो इस समय शत्रु से भी लाभ, कोर्ट में लाभ, शत्रु से लाभ, कोर्ट में लाभ, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में लाभ, मामा से लाभ। अगर खराब हैं तो मामा को नुकसान, मामा से शत्रुता, कोर्ट में परेशानी, हॉस्पिटल में बेवजह का चक्कर, ठीक, रोग में वृद्धि, कामनाओं की पूर्ति में अवरोध, इतनी चीज़ें आएंगी। डिपेंड इस पे करेगा मित्र
कि आपके कुंडली में बुध किस कंडीशन में है और प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर किसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके 60-65 करोड़ लोगों के बीच में बुध कितने लोगों को फल देगा। पिछले हमने एक वीडियो बनाया था कि नौकरी पर लटके की तलवार, काफ़ी लोगों की नौकरी तलवार लटक नहीं गई, तलवार गिर गई, कुछ लोगों के भी लटकी हुई है। तो ये आपको जो भी हमारे वीडियो आजकल कुछ लोगों का मैसेज आता है, ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर 20,000 लोग देखते हैं तो एक दो लोग ऐसे मैसेज भेजते हैं उठपटांग। तो भाई देखो, हाथी चले बाजार और जी, तो वो उनका काम है, वो करते रहेंगे। हमारा काम आपको डराना नहीं, हमारा काम आपको बताना है, क्योंकि मैं वृश्चिक वालों को तो डरा ही नहीं सकता, मैं किसी को बाई नेचर डरा ही नहीं सकता। हमारा सबका उद्देश्य है आगे बढ़ते रहना। तो जान लेना परेशानियों से बच जाने का सबसे बढ़िया मार्ग होता है। 7 जून तक यहीं पे रहेंगे, 31 मार्च को प्रवेश कर रहे हैं, 15 मई को ये, अच्छा 21 अप्रैल को वक्री होंगे और 15 मई को मार्गी होंगे, 7 जून तक चलेंगे। ये बुध की पूरी स्थिति है। स्टार्टिंग में 9 तारीख तक सुबह प्रातः काल तक यहाँ रहेंगे, 9 तारीख के बाद ये भरणी में प्रवेश करेंगे। पॉइंट नोट करिए, स्टार्टिंग जो 8 दिन हैं, 8 या 9 दिन, वो थोड़े से टफ जाएंगे, उसके बाद भरणी में प्रवेश करेंगे। भरणी का मतलब होता है भरण पोषण करना, भरणी का मतलब होता है शुक्र का प्रभाव ले लेंगे। शुक्र का प्रभाव लेते ही आपके क्या है, शुक्र महाराज आपके व्यापारेश हैं, व्यापार के स्वामी हैं। शुक्र महाराज आपके विदेश से संबंध बनाते हैं और प्रेजेंट टाइम में 6 तारीख को ही शुक्र महाराज अपने दोस्त मैंने प्रथम राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो 6 तारीख के बाद शुक्र बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके कुंडली में 9 को जब बुध महाराज का प्रवेश भरणी नक्षत्र में होगा, तो ये भरण पोषण की बात करेंगे, जो आपका व्यापार है उसको भरण पोषण की ओर ले जाएंगे। सावधानी क्या बरतनी है, बुध का मतलब लेखन का काम, बुध का मतलब फास्ट काम करना, बुध का मतलब वार्तालाप करना, बुध का मतलब लाइजन बनाना, बुध का मतलब गति पकड़ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ के चलिए, गति ज़्यादा मत पकड़िएगा, क्योंकि आपके मंगल अष्टम भाव में राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु ऑलरेडी इस समय अश्विनी नक्षत्र में गतिमान है और बुध को हैंग कर लेगा, बुध को बोलेगा ये जिगाड़ी वाला जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्सीलेटर ले निकल जाएंगे, एक्सीलेटर लो इसको क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन आपका उसमें एक्सीलेटर लेना कुछ सेकंड लेट हो जाएगा और आप लेके लड़ जाओगे, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। हम जो नेचर हमने प्राप्त किया है ना, ये ग्रहों के वजह से हमने प्राप्त किया है, और ज्योतिष दरअसल बहुत सरल है। जब आप उसको ऐसे डिफाइन करना शुरू करोगे ना, तो लगेगा बहुत सरल है, बहुत आसान है समझना उसको। तो यहाँ पे बुध को राहु हैंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये है कि इमिडिएटली हैंग नहीं करेगा, डेट बता दूँ कब हैंग करेगा, एकदम मतलब इतना क्लियरिटी आपको डेट टू डेट डिफिनेशन अन्यत्र अगर मिले तो आप हमारे चैनल पर ना आके उनके चैनल पर जाएँ। अगर अन्यत्र नहीं मिलता तो आपकी जिम्मेदारी है, कृपया चैनल को स्वतः सब्सक्राइब करें और मित्रों को यहाँ पे जोड़ के लाएं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, आप बोलेंगे आपके दर्शक दीर्घा बढ़ेंगे, पैसा बहुत कमाएंगे। यूट्यूब जगत पे पैसा वैसा जो कमाने की बातें हवा में है, काम करके देखिए पता चलता है कितना पैसा आप कमाएंगे। फायदा ये होगा कि लोग नक्षत्रों की बात करना शुरू करेंगे और जिस दिन ज्योतिषी नक्षत्र की बात करना शुरू करेगा, क्लियरिटी आने लगेगी ज्योतिष जगत में, वो एक ज्योतिष के लिए बेहतर दिन होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह राशि फल नहीं देता, नक्षत्र पे फल देता है। अब देखिए स्टार्टिंग के इसके मज़ेदार पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बुध महाराज स्टार्टिंग के चलेंगे 2 दिन, मेष राशि में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, मेष राशि में चलेंगे, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में चलेंगे, मेष नवांश में 2 दिन आप बहुत स्पीड पकड़ोगे, मतलब 31st के 3:28 से लेके तो 1 तारीख 2 तारीख पूरा 2 तारीख शाम तक स्पीड आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, फटाफट काम करने की इच्छा रहेगी, फास्ट चलेंगे, आपको लगेगा फट से कर लेता हूँ। वहीं पे 3-4 को थोड़ा वेट करेंगे, आराम से रिलैक्स से चलेंगे, यहाँ पे कोई धनात्मक स्थिति भी आपकी ठीक 3-4 को धन मिलेगा, आप नोट करके रखिए 3-4 को धन, मतलब लाभ कहीं ना कहीं से हो रहा है। अब आप घर में बैठे हो तो क्या धन मिलेगा, कहीं ना कहीं से लाभ हो रहा है। उसके बाद 5 जो 6 तारीख है ये आपके लिए सबसे कठिन दिन है, नोट कर लीजिए महाराज, 5 तारीख और 6 तारीख का जो दिन है वो सबसे कठिन दिन आपके लिए जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुध महाराज हैं वो केतु के
तीसरे, अच्छा यहाँ पे बहुत स्पीड से केतु चल रहा है, ओ सॉरी बुध महाराज चल रहे हैं। अब आप देखिए, जो बुध महाराज नॉर्मल ढंग से एक नक्षत्र के एक चरण को 2 से 3 दिन में प्रवेश कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन में भाग रहे हैं, उसको 2 दिन में फटाफट भाग रहे हैं, इतना स्पीड पकड़ रहे हैं, तो गतिमान होंगे। तो आपके लिए ये जो डेट आ रही है 31, 1, 2, 3, 4 मतलब 5 और 6 तारीख, 7 भी ले लीजिए, 5, 6 ले लीजिए, 5 जो 6 तारीख को है इस दिन गति बिल्कुल नहीं पकड़ना, हो सके तो वाहन मत चलाइए, बहुत आवश्यक कार्य नहीं है 5, 6 को यात्रा कैंसिल कर दीजिए। मंगल मिथुन राशि में है, बुध महाराज भी मिथुन नवांसा में जाएंगे और मिथुन नवांसा आपके लिए एक्सीडेंटल है, दुर्घटना का है, ऊपर से नीचे गिर जाने का है, अचानक चोट लग जाने का है, अचानक परेशान हो जाने का है, अचानक धन हानि हो जाने का है। तो आपके लिए क्या है, क्लियर सी डेट आ गई, 2 से 3 दिन ज़्यादा बच के रहना है। उसके बाद चतुर्थ नवांसा में जाएंगे, चतुर्थ नवांसा मतलब चंद्रमा का कर्क नवांसा मिलेगा, कर्क नवांसा में कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद भरणी में जाएंगे, भरणी में प्रथम नवांसा में जाएंगे, सिंह नवांसा जाएंगे, सिंह नवांसा में कोई दिक्कत नहीं है, सिंह आपके कर्मा का है, यहाँ पे आपके काम बनते हुए, सरकार से काम बनते हुए दिखाई देंगे, बेहतर परिणाम देंगे। तो आप देखेंगे तो 9 तारीख को और 10 तारीख को बेहतर, 10, 11, 12 तक बेहतर परिणाम देंगे, सरकार से आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कन्या नवांसा में जाएंगे, कन्या नवांसा में आपको सुंदर फल देंगे, कामनाओं की पूर्ति करवा रहे हैं। तो बुध गोचर करेगा तो बहुत कुछ देगा, क्योंकि बुध बुद्धि का स्वामी है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि हैंग नहीं हुई तो, पॉइंट नोट करके रखिएगा, अगर बुद्धि हैंग नहीं हुई तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तो बनता है ना। खैर, आपके कुंडली में अप्रैल माह में सूर्य राहु गुरु बुध 4-4 ग्रह खष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छे जगह आप लोग बैठिए ना, 4-6-10 लोग तो अच्छी यंत्रणा करते हैं। अगर पता लगा बुरे जगह बैठे हैं तो बुरी मंत्रणा करते हैं। कर्मा का स्वामी सूर्य खष्टम भाव में, धन का स्वामी गुरु खष्टम भाव में, बुद्धि का स्वामी गुरु खष्टम भाव में, लाभ का स्वामी बुध खष्टम भाव में, आयु का स्वामी बुध खष्टम भाव में, राहु खष्टम भाव में। तो छठवें को जो युति है ना, बेवजह कोर्ट तक घसीटने के लिए तैयार है, बेवजह कोर्ट तक घसीटने के लिए तैयार है। तो सावधानीपूर्वक काम करिएगा। बुध महाराज 31 मार्च को प्रवेश करेंगे, 7 जून तक यहीं पर रहेंगे, बीच में वक्री होंगे, 21 अप्रैल को 24 दिन के लिए वक्री होंगे और 15 मई को मार्गी होंगे। वक्री जब हो रहे हैं तो भरणी नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, बेहतर फल देंगे। 9 तारीख को भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो भरणी में भरण पोषण कराना सिखाएंगे, बढ़िया है। वक्री भी होंगे तो यहीं पर वक्री होंगे, भरणी में बेहतर परिणाम देंगे। उसके बाद फिर कृतिका में जाएंगे तो कृतिका में भी बेहतर परिणाम देंगे। तो शुरू में थोड़ा सा बुध डरा रहे हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बुध डरा रहे हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बुध बेहतर फल देंगे। बाहर अगर कहीं जाने का योग है आपका, बाहर मतलब विदेश जाने का योग है, कुछ अवरोध आ रहे थे तो बुध उनको काट देगा, बुद्धि बल से पता चल जाएगा और कृतिका में उसको डिस्कार्ड करके आपको विदेश भेज देगा। तो ऐसे बुध महाराज शुभ फल दे, इसके लिए ओम गम गणपतये नमः या ब्रह्म रिम ब्रह्म सह बुधाय नमः का जाप करिए। वन में इस समय आपके मंगल महाराज राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु सबको पीड़ा दे रहा है, तो दुर्गा माता की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाहीं, बेहतर परिणाम मिलेगा। वन में रहने वाले नर वानर अगर मौका मिले तो उनको गुड़ चना खिलाइए, केला खिलाइए, कुछ खिलाइए, बेहतर होगा, परिणाम मंगलमय होगा। चलिए आपके लिए राधे राधे। कोई भी छोटा सा पॉइंट आता है तो मैं आपके पे जरूर वीडियो बनाता हूँ, किसी और पे बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो मित्रों को शेयर करिएगा। राधे राधे।